रेडियो खाँची हम सबका रेडियो मैं डॉक्टर सुरेंद्र पांडे विभाग अध्यक्ष विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची हूँ यह लेक्चर महात्मा गांधी और अहिंसा पर आधारित है यह रांची विश्वविद्यालय के पी सेमेस्टर फोर के बच्चों के लिए विशेष सहायक होगा इस लेक्चर के लिए मैं दो पुस्तकों की अनुशंसा करूंगा। पहली पुस्तक है राजनीतिक अवधारणाएँ और भारतीय लोकतंत्र बी वी की किताब और दूसरी सामाजिक विचारधारा मुखर्जी की आधुनिक भारत के महान विचारक महात्मा गांधी भारत के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक प्रेरणाओं को ग्राह्य करके एक महान दार्शनिक विचारक कर्मयोगी और समाज सुधारक बने जिन्होंने सत्य एवं अहिंसा के सनातनी सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करके धर्म एवं मानवता का मार्ग दर्शन किया था उनके त्याग एवं बलिदान के कारण ही उन्हें युग पुरुष कहा जाता है महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास कर सकेगी कि उन जैसे मांस का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा हुआ था सच है कि गांधी जी एक महान समाज सुधारक एवं मानवतावादी दार्शनिक थे जिन्होंने अपना सर्वस्व मानव सेवा के लिए त्याग कर दिया था गांधी जी के जीवन एवं दर्शन पर एक तरफ विभिन्न धर्मों का प्रभाव पड़ा था तो दूसरी तरफ कुछ विश्व प्रसिद्ध विद्वानों का भी जिसमें टॉल स्टाइल और जॉन रस्किन जैसे विद्वान प्रमुख थे टॉल स्टाइल की किताब द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू और रस्किन की किताब अनू दिस लास्ट ने मोहनदास करमचंद्र गांधी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं अहिंसा का पुजारी बना दिया अहिंसा मानव का स्वाभाविक गुण है सत्य एवं अहिंसा गांधी जी की नीति के मौलिक नियम भी थे गांधी जी सत्य को ही ईश्वर मानते थे और कहते थे कि जीवन में अहिंसा का पालन करना और सत्य के उपासक का परम कर्तव्य होगा गांधी जी मानते थे कि मानव स्वभाव से ही अहिंसा प्रिय होता है परिस्थिति बस वह हिंसक बन जाता है अहिंसक प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि मनुष्य आदिम युग में जो निर्भक्षी मानव था धीरे धीरे सभ्य और सुसंस्कृत मानव बना इतिहास इस बात का गवाह है कि अहिंसा ही मानव के उत्तरोत्तर जीवन का श्रेष्ठतम गुण रहा है अहिंसा से ही व्यक्ति एक व्यवस्थित मानव समाज की रचना कर सका १९३० में यंग इंडिया के एक अंक में बापू ने लिखा था कि पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का एक नाम है यह तो एक विशुद्ध प्रेम है गांधी जी के अनुसार अहिंसा का तात्पर्य मन वचन एवं कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना है किसी का दिल नहीं दुखाना है गांधी जी का मानना था कि अहिंसक व्यक्ति प्रेम क्षमा सहानुभूति और सत्य की प्रतिमूर्ति होता है इसका कोई शत्रु नहीं होता अर्थात आजाद शत्रु अहिंसा प्रेम की एक ऐसी जड़ी बूटी है जो भयंकर से भयंकर दुश्मनी को भी शत्रुता को भी मित्रता में बदल देती है यह शक्तिशाली शस्त्र को भी परास्त कर सकती है यह अजय शक्ति है आत्मा का गुण है जो चिरंजीवी है गांधी जी के अहिंसा का क्षेत्र काफी व्यापक लिए हुए है गांधी जी के अनुसार तिरस्कार एवं अहंकार से लेकर झूठ बोलना ठगना कम तोलना विवस्था का अनुचित लाभ उठाना बुरा व्यवहार करना द्वेष करना वैर करना दाह करना किसी का अहित चाहना क्रोध करना अधिक संग्रह करना अनावश्यक विरोध करना बल का प्रयोग करना ये सब हिंसा है इसके विपरीत गांधी जी की अहिंसा सर्वोच्च प्रेम सर्वोच्च दयालुता सर्वोच्च आत्म बलिदान का परिचायक रहा है यह शुद्धता एवं स्वच्छता पर आधारित है इसमें घृणा द्वेष एवं हिंसा के लिए लेस मात्र का भी जगह नहीं है गांधी जी का लेकिन यह भी कथन था कि किसी भी कार्य को हिंसक व अहिंसक मानने के पहले उसके आशय एवं उद्देश्य को जान लेना अति आवश्यक होगा गांधी जी के हिंसा को समस्या के समाधान का एक अस्त्र मानते हुए भी उनके द्वारा किए गए कार्यों को आधार बनाकर यह प्रमाणित किया जा सकता है क्योंकि गांधी जी स्वयं यह मानते थे कि किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध अहिंसा के द्वारा किया जा सकता है अहिंसा अन्याय का विरोध करती है अहिंसा का अस्त्र कायरों के लिए नहीं है बल्कि जिसमें सहन शक्ति हो जो शक्ति रहते हुए भी दूसरे को क्षमा कर सकता हो वही सिर्फ इस अस्त्र को अपना सकता है गांधी जी का कथन था कि कायरता की अपेक्षा हिंसा श्रेष्ठ साधन है अहिंसा एक ऐसा अस्त्र है जिसका प्रयोग सभी व्यक्ति कर सकते हैं यदि उनमें ईश्वर और मनुष्य जाति के प्रति प्रेम है गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग एक तरफ सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया गांधीजी गांधी जी का विश्वास था कि जहां अन्याय उत्पीड़न और भय है मानव परंपरा, समाज कानून दंड या अविवेक के कारण दबा हुआ है वहाँ अहिंसा अमोघ अस्त्र बन सकती है दक्षिण अफ्रीका चंपारण खेड़ा डांडी यात्रा के द्वारा गांधी जी ने यह सिद्ध किया था कि अहिंसक साधनों से जनमानस को संगठित करके किसी भी समस्या का समाधान पाया जा सकता है खोजा जा सकता है गांधी जी की अहिंसा मात्र दर्शन ही नहीं है बल्कि यह है एक कार्य पद्धति है और हृदय परिवर्तन का एक साधन भी है गांधी जी स्वयं कहते थे कि मानव हृदय की दिव्य ज्योति राख से ढक तो सकती है किंतु कभी बुझती नहीं है और हिंसा व मारकाट के मध्य भी अहिंसा काम करता है यूँ कहा जाए कि गांधी जी का अहिंसा अकर्मण्यता का दर्शन नहीं है वर्ण कर्मठता एवं गतिशीलता का दर्शन है यह अन्याय के विरुद्ध एक अमोघ अस्त्र है गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा में वैसे तो कोई भेद नहीं किया क्योंकि वे सत्य को साध्य और अहिंसा को साधन मानते थे गांधी जी ने अहिंसा को तीन रूपों में विभाजित किया था वीर की अहिंसा औचित्यपूर्ण अहिंसा और कायर की अहिंसा गांधी जी का मानना था कि यह अहिंसा सुरवीर प्रवृत्ति के लक्षण वाला है इस अहिंसा में विवस्था का स्थान नहीं है बल्कि नैतिकता से अधिक विश्वास के कारण यह अपनाया जाता है इसमें प्रचंड शक्ति होती है और भय का नामो निशान नहीं होता इसमें भयंकर स्थिति में भी मुकाबला करने की शक्ति होती है यह सर्वश्रेष्ठ अहिंसा का स्वरूप है जिसका प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में किया जा सकता है औचित्यपूर्ण अहिंसा के बारे में गांधी जी ने कहा था कि यह अहिंसा किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपनाया जाता है इसमें विवश व्यक्ति अपनी निर्बलता के कारण ही हिंसा का प्रयोग नहीं करता यह अहिंसा वीर की तरह शक्तिशाली नहीं होता है इसकी सफलता सीमित होती है साहस सच्चाई से इसका प्रयोग करने पर कुछ सीमा तक इसमें लक्ष्य को पाया जा सकता है गांधी जी ने कायर की अहिंसा की भी चर्चा की थी गांधी जी का कथन था कि कायरता और अहिंसा आग और पानी की तरह एक साथ नहीं रह सकते गांधी जी कायरता को भी एक हिंसा मानते थे गांधी जी का कथन था कि अहिंसा वीरों का परम धर्म है गांधी जी के विचार से अहिंसा एक नैतिक अस्त्र है जिसका प्रयोग बुराई को दूर करने के लिए किया जाता है अहिंसा सबके लिए है धन्यवाद